शर्मा। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर जयंत मलैया को टिकट देने की मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने मांग की है कि जयंत मलैया को टिकट दिया जाए। पूर्व विधायक राहुल सिंह हैं बीजेपी के प्रबल दावेदार, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मलैया के घर पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे सीएम शिवराज और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा। इसी दौरान जयंत मलैया के समर्थकों ने मांग की है कि जयंत मलैया को दमोह से टिकट बीजेपी की तरफ से मिलना चाहिए। तो अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता मनीष सोनी से। मनीष, दमोह में उपचुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और टिकट की मांग यहां पर होने लगी है जयंत मलैया के लिए। बिल्कुल सुमित, दरअसल दमोह से जयंत मलैया पूर्व में विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जीतने के बाद मंत्री भी बने हैं। अब कांग्रेसी विधायक राहुल सिंह, जो कि पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कयास लगा जा रहा है कि उनको टिकट दी जाएगी, लेकिन जयंत मलैया के समर्थकों द्वारा आज नारेबाजी की गई जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके घर उनके पिता के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। उस दौरान ये उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा नारेबाजी की गई और जयंत मलैया को टिकट देने की मांग की गई। सुमित, मनीष, जिस तरीके से हमने देखा था उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर, टिकट बांटने को लेकर कहीं ना कहीं विरोध के सुर उठे थे, और अब जब दमोह में जयंत मलैया को टिकट की मांग यहां पर की जा रही है, जाहिर सी बात है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं राहुल लोधी, और तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भी बीजेपी के सामने होगी दमोह को लेकर भी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आंतरिक द्वंद्व जो भारतीय जनता पार्टी में है वो निकल कर एक बार फिर सामने आया है। हालांकि सब बात काफी लंबे समय से चल रही थी, जयंत मलैया के समर्थकों द्वारा बार बार फेसबुक पोस्ट करके या इस तरह से पोस्ट करके उनको टिकट देने की मांग की जा रही थी। आज ये जो उनके समर्थकों का जो गुबार था वो निकल कर सामने आ गया जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दमोह पहुंचे, तो उस दौरान उनके निवास पर उनके समर्थकों द्वारा नारेबाजी की गई, उनको आगामी विधायक बनाने की बात की गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब ये जो द्वंद होना है, जो कि कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद राहुल सिंह टिकट की मांग करेंगे और फिर जयंत मलैया भी टिकट की मांग करेंगे, तो यह अब निकलकर सामने आ गया है। सुमित, मनीष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो दमोह में उपचुनाव होना है क्योंकि राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर दी है, अब वहां पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही जयंत मलैया को टिकट की मांग उनके समर्थक करते हुए नजर आए हैं। जयंत मलैया के घर पर पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम और वीडी शर्मा पहुंचे हुए थे, इसी दौरान उनके समर्थकों ने, जयंत मलैया के समर्थकों ने टिकट की मांग की उनके लिए।